मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम में चौथी सोमवार के पावन अवसर पर साहू रोड स्थित त्रिदेव बोलबम सेवा समिति द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। त्रिदेव बोलबम सेवा समिति के उपाध्यक्ष सोनूराज चौहान ने बताया कि कांवड़िया बंधुओं के लिए निःशुल्क गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्किट, भोजन, दवा सहित कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई। साथ ही भव्य संध्या में जागरण का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष ज्वाला पटेल, उपाध्यक्ष सोनूराज चौहान, सचिव शिशु राजपूत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विजय राठौर हम लोग त्रिदेव बोलबम सेवा समिति हर साल के भांति इस साल भी चौथी के दिन हम लोग हर साल जागरण का आयोजन करते हैं। इस साल भी हमने जागरण का आयोजन किया है, साथ साथ गर्म पानी, ठंडा पानी, भोजन का उत्तम प्रबंध है। उसके बाद आपको जागरण के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा कांवड़ियों के बीच। लगातार हमारा ये 2018 से हमारा सेवा चल रहा है। और त्रिदेव बोलबम सेवा समिति सिर्फ सावन मास में ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोविड इस समय आया था उस समय भी हमारे सेवा समिति ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी कोविड के समय में। मेरा नाम हुआ ऋषु राजपूत, सचिव त्रिदेव बोलबम सेवा समिति। सोमवारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? त्रिदेव बोलबम सेवा समिति हर साल की बात है, इस साल भी अपने तमाम कार्यकर्ता के साथ कांवड़िया बंधुओं की सेवा में लगी हुई है। और हमारा सबसे मुख्य आयोजन चौथी में जो होता है जागरण, जो हर साल के बाद इस साल भी हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे शिविर द्वारा ठंडा पानी, चाय, बिस्किट, गर्म पानी और साथ ही साथ भोजन का और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है? मॉनिटरिंग हमारे सेवा दल के जितने भी लड़के हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जितने भी कांवड़िया हैं उनका सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। मेरा नाम है सोनूराज चौहान, त्रिदेव बोलबम सेवा समिति उपाध्यक्ष। देश दुनिया की तमाम खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए मुजफ्फरपुर न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल को करें फॉलो। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।